नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हम दो साल से भर्ती नहीं आया, तो उसका एज तो ज्यादा हो गया, जिसका वो धीरे धीरे सुसाइड कर रहा है, ये सब गलत तरीके से अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द रैली निकाले और बच्चों को फिर से रैली में जाने का मौका दे, नहीं तो इसी तरह मतलब अपने आप को बच्चा लोग बर्बाद करेगा। मैंने अपने एनसीसी की डिग्री लगाई है और मेरा परसेंटेज भी 95 क्रॉस कर रहा है, तो इस हिसाब से मेरा मेरिट बन गया। बस रनिंग का वेट है, रनिंग हो जाएगा तो ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन बस रनिंग में डिले है। लेकिन रनिंग पिछले 1.5 साल से रनिंग नहीं लिया और निकाल लिए हैं, मेडिकल निकल चुकी है। इतना ये दोनों चीज़ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मतलब नहीं बताया, बहुत जल्दी हुआ। और लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम को सिर्फ लगता है कि निगलेक्ट किया गया, और एडमिट कार्ड एक बार देने के लिए आया कि 24 जून के एग्ज़ाम होने वाले थे, 25 जून को, वो भी रद्द कर दिया गया। एक दिन पहले एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया गया, पिछले साल की बात है, 2021 के बाद। वो जितना सैलरी देते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कमा रहा है सर, लेकिन वो स्टेटस नहीं मिल पाते हैं। हम खुद ज्वाइन करने के बाद मेन बच्चे अपने स्टेटस को ले जाते हैं, ठीक है, कमाने के लिए तो कहीं भी कमा रहे हैं। हम लोग अपना खेती भी कर रहा है तो उसमें भी 50,000 से 1,00,000 रुपया कमाई ले रहा है। से हमारा उम्र निकल रहा है ना, हमारे साथ भी जितने लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिले प्रोसेस है, जबकि आर्मी इतना डिले नहीं करता है। जो बच्चों का फिजिकल और मेडिकल हुआ हुआ वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि आखिर कितना पढ़ा जाए, पढ़ते पढ़ते अप्रोक्स 1.5 साल हो गए हैं, तो कितना पढ़ा जाए। हर एक यूनिट में वही बात है कि कितना पढ़ा जाए, बच्चे पढ़ रहे हैं मनसा के क्या हो रहा है कि छोड़ दे रहा है, एग्ज़ाम तो ले नहीं रहा, कोई फाइनल डेट तो आया नहीं। 1.5 साल हो गया भर्ती प्रक्रिया का, अभी तक कोई एग्ज़ाम और कोई अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। आज दौड़े हो? आज दौड़े तो नहीं, मन ही नहीं करता है दौड़ने के लिए, सब थोड़ा सा ये हो गया है, मन छोटा हो जाता है। पढ़ाई भी करना है इंसान को, मतलब खेत में काम करे तो खेती बाड़ी भी करना है, हर चीज करते हुए भी सुबह दौड़ का टाइम निकालता करना पड़ता है, लेकिन वैकेंसी तो आ नहीं रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे का धीरे धीरे मोरल जो डाउन हो रहा है।